दुबे मिश्रा आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और एक बड़ी खबर सियासी गलियारे से बीजेपी को एक और झटका लग गया है। जामताड़ा में बीजेपी को बड़ा झटका, पूर्व मंत्री सत्यानंद झा बाटूल का इस्तीफा, नाला से टिकट कटने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी ने माधव चंद्र महतो को दिया है टिकट, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष को इस्तीफा भेजा गया। चुनाव में नाला सीट से ताल ठोकेंगे। नाला से विधायक और पूर्व कृषि मंत्री हैं सत्यानंद झा बाटूल, जिन्होंने इस्तीफा दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको झारखंड चुनाव से संबंधित बता रहे हैं। नाला से टिकट कटने के बाद इस्तीफे की खबर है। बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। बीजेपी ने माधव चंद्र महतो को टिकट दिया है और इसी से नाराज होकर उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। नाला से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। जामताड़ा में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। और रांची से बड़ी खबर आ रही है, सीएम आवास पर फिर जुटेंगे इंडिया अलायंस के नेता। शाम 6 बजे सीएम आवास पर आईएनडीआई की बैठक होनी है। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और माले नेताओं की बैठक होगी। आज रात तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होने की संभावना जताई जा रही। माले ने 6 सीट का प्रस्ताव रखा है। बगोदर, राजधनवार, जमुआ, निरसा, सिंदरी, पाकी, जेएमएम महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि गठबंधन में सबको साथ लेकर चलने का प्रयास बहुत हो रहा, बहुत जल्द आईएनडीआई गठबंधन का फॉर्मूला तय हो जाएगा। तो शाम 6 बजे सीएम आवास पर आईएनडीआई की बैठक है। अगर आपको याद हो तो कल ही राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा की तरफ से नाराजगी जाहिर की गई थी और कहा गया था कि बहुत कष्ट हो रहा है, इतनी कम सीटें लेकर हम चुनावी रणभूमि में नहीं उतरना चाहते। हम 22 सीटों पर अपनी तैयारी कर चुके थे, लेकिन बावजूद अगर इतनी कम सीटें मिल रही हैं तो कुछ निर्णय लेना होगा। लेकिन इसी बीच ये बैठक और आज इस समस्या के समाधान निकलने की आशंका जताई जा रही है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट शेयरिंग की नोकझोंक पुरानी हो गई है। 2009 लोकसभा चुनाव के दौरान लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान ने दिल्ली के एक होटल में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जिस पर कांग्रेस बिफर गई और बिहार में गठबंधन टूटा। कांग्रेस, आरजेडी और एलजेपी के बिना मैदान में उतरी है। 2020 विधानसभा चुनाव में जेएमएम 1 से 2 सीटों पर उम्मीदवार उतारना चाहती थी, लेकिन आरजेडी ने जेएमएम नेताओं को भाव नहीं दिया, जिससे जेएमएम नेताओं की नाराजगी खुलकर सामने आई थी। 2020 विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने जेएमएम नेताओं को भाव नहीं दिया था और इसीलिए जेएमएम नेताओं की नाराजगी खुलकर सामने आई थी। और कुछ ऐसी ही स्थिति अभी 2024 के चुनाव में देखी जा रही, जब जेएमएम ने आरजेडी को उतनी तरजीह नहीं दी और ये नाराजगी खुलकर जाहिर हो रही है। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है, आरजेडी के तेवर पहले से नर्म बताए जा रहे हैं। अब 8 सीट की मांग पर राष्ट्रीय जनता दल अड़ गया है। अगर 2 से 3 घंटे में समस्या का समाधान निकल जाता है तो आगे राष्ट्रीय जनता दल यानी कि इंडिया अलायंस में रहकर ही चुनाव लड़ेंगे। इंडिया अलायंस में रूठने मनाने की कवायद फिलहाल जारी है, बैठकों का दौर जारी है। एक और बैठक रखी गई है और रात तक ये निर्णय हो जाएगा कि इंडिया अलायंस साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी या राष्ट्रीय जनता दल की सहमति अभी भी नहीं मिली है, ये जानकारी भी सामने आ जाएगी। और इंडी गठबंधन में सीटों के फॉर्मूले से जहां आरजेडी नाराज है और जेएमएम कांग्रेस के साथ प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहा, तो दूसरी तरफ आरजेडी में अपने ही परिवार में नाराजगी सतह पर आने लगी है। एमवाई से ए टू जेड की पार्टी का दावा करने वाले तेजस्वी यादव से झारखंड में उनकी पार्टी के मुस्लिम नेता काफी नाराज हैं। पार्टी नेताओं की अगर माने तो झारखंड में आरजेडी ने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, जिससे ये लोग नाराज हैं और पार्टी से इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। आरजेडी के नाराज नेताओं से बातचीत की है न्यूजीलैंड संवाददाता ओम प्रकाश ने। राजधानी रांची के रेडिशन ब्लू होटल में आज राजद कार्यकर्ताओं और नेताओं की खासी गहमागहमी है। कहा जाए तो रेडिशन ब्लू होटल जो है वो आज जो है वो मुख्य रूप से हॉटस्पॉट बना हुआ है राजनीति का, विधानसभा चुनाव को लेकर। राजद में भी नाराजगी है तो साथ ही राजद के खिलाफ कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी है। आप लोग यहाँ आए थे, तेजस्वी जी से मुलाकात हुई? नहीं, मुलाकात नहीं करने दिए उसके आगे पीछे रहने वाले लोग। देखिए, सबसे बड़ी गलती है जिसको यहाँ का कमान दिया गया, वो उनको चाहिए था कि हम जिन तमाम कार्यकर्ताओं के बदौलत आज हम प्रदेश अध्यक्ष बने हैं या मंत्री बने हैं, विधायक बने हैं, उनका ये काम था कि तमाम कार्यकर्ताओं को मिलाए, लेकिन उनके अंदर हमारे प्रति कोई प्रेम नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं थी। क्या आप लोगों की मांग थी कि जो कि तेजस्वी यादव से? हम लोगों ने मान्य भी तेजस्वी जी से हमने 2 दिन पहले कहा था इसी रेडिशन ब्लू में कि आपको सर जितना भी सीट मिले उसका मेरे पास दिखला देते हैं। तो वीडियो निकालिए,
बताइए ना, हमने कहा था कि आपको जितना भी सीट मिले मुसलमानों को दो सीट आप दीजिए, तो क्या मुसलमानों को आप सीट एक भी सीट नहीं दिए? और किस आपने तो कह दिया कि चलिए सीट नहीं मिला, लेकिन हम वोट किसको दे? आज तो माइनॉरिटी के वोट से ना यहाँ सरकार बन रही है, माइनॉरिटी और आदिवासी। तो मुसलमान को आप सीट नहीं देंगे, मुसलमान को सीट देने में आपको इतनी शर्म महसूस हो रही है? तो क्या अब लगता है कि आप इस्तीफा दे दीजिए राजद? एकदम जरूर देंगे सर, तकलीफ अगर है तो उस तकलीफ का इजहार तो हमको करना ना पड़ेगा। इस्तीफा तो लोग देते ही है, अभी कितने लोग बीजेपी से आके कांग्रेस में, कांग्रेस आके बीजेपी में, तो लेकिन हम लोग जो देंगे तो अटल रहेंगे, हमें कहीं यहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। तो सीट शेयरिंग फाइनल हो गया? हाँ ये फाइनल हो गया। कितना सीट राजद के पाले में? राजद के पाले में 7 सीट गया है, अभी बाकी 1 सीट आपके विश्रामपुर की बातचीत चल रही है, वो भी देखिए इंशाल्लाह हमको लगता फाइनल हो ही जाएगा। बाकी आप लोग का दुआ रहा तो हम लोग आगे इंशाल्लाह छक्का मारेंगे। सर हमने कहा कि झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल MY समीकरण से जाना जाता है, और हमने अपने नेता को कहा कि कम से कम झारखंड में 1 से 2 सीट माइनॉरिटी परिवार को मिलना चाहिए, क्योंकि माइनॉरिटी परिवार हर वक्त हर समय इंडिया अलायंस के साथ खड़ा रहा और खड़ा रहेगा। मगर हम लोगों को जो आशा और विश्वास था कि राष्ट्रीय जनता दल 1 से 2 सीट माइनॉरिटी परिवार को देंगे, अब देखने को मिल रहा कहीं ना कहीं वो उदासी छा। मतलब 7 सीट पर प्रत्याशी भी तय कर दिए गए? लगभग तय कर लिया गया है जो हम लोग को अंदर का जो रिपोर्ट मिल रहा है। तो देख सकते हैं जो तमाम राजद के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पहुँचे हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात ना होना और माइनॉरिटी को 2 सीट या 1 या 2 सीट देने पर वो भी तैयार, अभी तक उसका कुछ हो नहीं पाया, जिसे लेकर राजद कार्यकर्ताओं में नाराजगी है और यहाँ तक वे इस्तीफा देने की बात तक कर रहे हैं। कैमरामैन उमेश के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। और इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। RJD माना तो माले अब भी नाराज, राजधनवार सीट को लेकर माले अड़ी भी है। राजधनवार सीट नहीं मिलने पर माले गठबंधन से रहेगी दूर, आज शाम माले का रुख तय हो जाएगा। माले के गठबंधन से बाहर जाने से कोयलांचल और गिरिडीह की सीट पर इसका सीधा असर होना है, और ऐसे में अब क्या रुख अख्तियार करता है माले ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अगर RJD के तेवर नन पड़े हैं तो अभी भी अगर हम माले की बात करें तो उनके तेवर गर्म ही नजर आ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच इसका सीधा नुकसान इंडिया अलायंस को झेलना होगा, जिमिम को झेलना होगा। और इंडी गठबंधन में सीटों को लेकर खींचतान लंबी होती जा रही है। आज शाम 6 बजे तक एक बार फिर से सीएम हेमंत सोरेन के साथ गठबंधन के नेताओं के बैठक का दौर जारी है, और बैठक को लेकर माले और जिमिम का दावा है कि सब कुछ ठीक कर लिया जाएगा। माले 6 सीट की मांग पर अड़ा है, जिस पर जिमिम ने कहा कि सभी के सम्मान का ख्याल रखा जाएगा। उनकी चिंता उसी को लेकर के है, और अब काफी विलंब हो रहा है, और हम लोगों ने स्पष्ट कह दिया था भाकपा माले शुरुआत से ही लगातार उन सीटों पर जिन सीटों में लगातार संघर्ष है, अभी हम लोग बात हो रही है 1-8 सीटों को लेकर के जीत चल रही है। 6 बजे के बाद कांग्रेस के प्रभारी भी यहाँ पर आ रहे हैं, तो सारे लोग बैठ कर हम लोग आशा करते हैं कि आज सारे चीज क्लोज कर दिए। हम लोगों ने 6 सीट का मांग किया था, उसमें निरसा, सिंदरी, बगोदर, राजधनवार, पाकी और जमुआ है, तो इसी को लेकर बातचीत कर रहे हैं, फिर देखते हैं जो फाइनल होती है उसी हिसाब से। आज चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, गठबंधन पूरा आकार ले लेगा? JMM से भी बातचीत हुई, वो लोग चेष्टा कर रहे हैं, उन लोगों का भी कहना है जो आज शाम तक हम लोग करेंगे, या बहुत ज्यादा हुआ तो कल सुबह हम लोग ज्वाइंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस। बहुत जल्द सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, और गठबंधन का जहाँ तक बात है सभी लोगों से बातचीत चल रही है, और हम समझते हैं कि कोई परेशानी भी नहीं है। समय सीमा आप लोग ना दे तो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन जो भी होगा सब समय पे होगा। JMM का सूची भी नहीं जारी हुआ है? सब जारी हो जाएगा, हम गठबंधन की बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन की, सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात नहीं है, सिर्फ RJD की बात नहीं है, सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, और सिर्फ माले की बात नहीं है। जो भी चीजें हैं आप लोगों के सामने स्पष्ट रूप से हम लोग रखेंगे और समय पे रखेंगे।
और इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग की राह इतनी आसान नजर नहीं आ रही। भाकपा माले के राज्य सचिव मनोज भक्त ने अपनी दावेदारी और तैयारियों को बिल्कुल साफ कर दिया है। मनोज भक्त ने कहा कि 13 सीटों पर तैयारी है और 8 सीटों पर दावा है। इसमें 5 सीटें ऐसी हैं जिसे भाकपा माले छोड़ने को तैयार नहीं। ऐसी कई सीटें हैं जहां भाकपा माले काफी निर्णायक है, उसके अपने राजनीतिक आधार, सांगठनिक उपस्थिति की वजह से। तो ऐसे चुनाव जहां हम लड़ सकते हैं, 13 सीटों पे हमारी पूरी तैयारी है। और इसमें से भी 8 सीटें ऐसी है जहां हम निर्णायक हैं, जहां भाकपा माले की भूमिका ऐसी है जहां भाकपा माले या तो जीत सकती है या दूसरे को वो जीत, दूसरे का जीत हार वहां से तय कर सकती है। सुभाषिनी अली के बयान पर कांग्रेस ने जवाब दे दिया है। कांग्रेस प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा कि सुभाषिनी अली के सुझाव का स्वागत करते हैं। कांग्रेस ने ही गठबंधन की शुरुआत की है, जहां तक सीट का सवाल है तो उन्हें भी ये सोचना होगा कि क्या जो लोग ज्यादा सीटें मांग कर रहे हैं वो कांग्रेस के बराबर हैं। सबको मिलकर गठबंधन के लिए सोचना होगा। ज्यादा से ज्यादा सीट जीतने के लिए गठबंधन की सोच जरूरी है। लेकिन हमें यह लगता है कि गठबंधन की बात कांग्रेस ने ही शुरू की है और कांग्रेस गठबंधन को बहुत बखूबी और अच्छी तरह से समझती है और जानती है। और हमें यह लगता है कि जिन लोगों को कांग्रेस से दिक्कत है सीटों पर, उन्हें भी समझना होगा कि कांग्रेस कहाँ है और वो कहाँ है। अगर वो कांग्रेस के बराबर हैं, ये अगर आत्मचिंतन वो कर रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर उनको सीटें बढ़नी चाहिए। INDIA गठबंधन में सीट शेयरिंग पर फंसे पेच पर आजसू ने भी चुटकी ली है। आजसू महासचिव संजय रंजन ने कहा कि एनडीए में सीट शेयरिंग और प्रत्याशियों का ऐलान किया जा चुका है, लेकिन इंडी गठबंधन में अभी तक रूठने मनाने का दौर ही जारी है। इंडी गठबंधन है, उसमें अभी भी पेच है। इन्होंने आनंद फानंद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था जिसमें इन्हें चाहिए था कि गठबंधन धर्म का अनुपालन करते हुए इन्हें चाहिए था कि अपने सभी सहयोगी पार्टियों से एक विमर्श कर लेते, जो शायद नहीं हुआ। वहीं चाईबासा की चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी पूर्व विधायक शशिभूषण सामण और अपने समर्थकों और पार्टी नेताओं से मिल रहे हैं। उन्होंने आज नामांकन पत्र खरीदा और 23 को नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। सामण ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनने पर चक्रधरपुर को जिला बनाने और टोकलो और कराईकिला को नया प्रखंड बनाने की प्राथमिकता होगी। लोग विश्वास किया जनता, और जनता ने जनता का विचार और सोच से ही आज हमको टिकट मिला है। वही विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की घोषणा के बाद बीजेपी संगठन के साथ बैठक कर आगे की रणनीति पर काम कर रही है, और इसी को लेकर धनबाद बीजेपी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। हमने बता दिया सबको, आप काम करना है, चाहे कोई भी अभी छुट्टी सबका कैंसिल कर दिए हैं, कुछ लोग नाराज भी हो रहे, दूसरे पार्टी वो सब चलता रहता है, बात कर रहे हैं उन लोगों। वहीं आजसू की दूसरी लिस्ट आज जारी हो सकती है। आजसू महासचिव संजय रंजन ने कहा कि बाकी बचे 2 सीट डुमरी और मनोहरपुर पर भी प्रत्याशियों का ऐलान आज कर दिया जाएगा। डुमरी सीट से यशोदा देवी और मनोहरपुर से बिरसा मुंडा और डॉक्टर रीना गोडसेरे का नाम भी चर्चा में है। आपको बता दें कि आजसू ने अपने खाते में 10 में से 8 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और अब सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान होना बाकी है। पेच नहीं है, क्योंकि ये सीट हमें आवंटित है, आजसू पार्टी को आवंटित है, तो प्रत्याशी हमारा होगा, पेच नहीं है। दावेदारी या कोई और भी रेस? दावेदारियां हैं, उनके विमर्श चल रहा है और लगता है कि आज उन दोनों सीटों पे भी दोनों प्रत्याशियों को घोषित कर दिया जाएगा। वहीं जामताड़ा में आजसू को बड़ा झटका लग गया है। आजसू के केंद्रीय महासचिव तरुण गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी से इस्तीफा दे दिया। तरुण गुप्ता ने आगामी 28 अक्टूबर को किसी दल से जामताड़ा विधानसभा से नामांकन दाखिल करने की बात कही। तरुण गुप्ता ने एनडीए के सीता सोरेन को टिकट दिए जाने के फैसले का विरोध किया। जामताड़ा के कार्यकर्ताओं ने जिसको हराने का काम किया,
उसी को आपने उम्मीदवार बना करके जामताड़ा के जनता के साथ धोखा देने का काम किया है। मैं आगे भी ये लड़ाई यहाँ पर परिवर्तन का और यहाँ का बदलाव के लिए लड़ाई जारी रखूँगा और आने वाले 28 तारीख को मैं यहाँ विधिवत रूप से नॉमिनेशन करूँगा और कौन सा दल होगा ये भी आपको एक दो दिनों के भीतर बताने का काम करूँगा। और चुनावी शोर में एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर सामने आ गई है गढ़वा से, जब चुनाव के दौरान ज्यादातर उम्मीदवार और बड़े नेता बुलेट प्रूफ गाड़ी और गाड़ियों के लंबे काफिले के साथ घूमना पसंद करते हैं, तो ऐसे में गढ़वा में जेएमएम प्रत्याशी और पीएचईडी मंत्री मिथिलेश ठाकुर को बाइक से नामांकन करने के पहुंचने की तस्वीर सामने आई। आपको बता दें कि मिथिलेश ठाकुर के नामांकन में समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ गई, जिसकी वजह से उन्हें कार में जाने में दिक्कत हो रही थी और वो चाहते थे कि तय शुभ मुहूर्त में ही वो अपना नामांकन दर्ज करें और इसी वजह से वो बाइक से ही नामांकन करने पहुंच गए। बाइक से हम आंकड़ा देखे कि मैं निकलते निकलते दौड़ते दौड़ते लोग दौड़ रहे थे सड़कों पर और मुझे बाइक से आकर नामांकन करना पड़ा, क्योंकि हम शुभ मुहूर्त देखकर नामांकन करते हैं। 2014-15 में हमें नामांकन, 14-15 के बीच में मुझे नामांकन करना था, मैं भागते हुए बाइक से आया, बाइक भी निकालना मुश्किल था, इतना ज्यादा लोगों का प्यार उमड़ा था, लोग संख्या में उमड़े थे इतने ज्यादा। तो ये अब जनता अब चाहती है अपना हक अधिकार, विकास। गढ़वा में न पानी था न बिजली थी, वैसे जनप्रतिनिधियों के लिए एक सबक है। और रांची से एक बड़ी खबर आ रही है, 107 करोड़ के गबन मामले में कार्रवाई की गई, फर्जी निकासी मामले में ईडी ने ECIR दर्ज कर दी है, CIT और ATS की टीम भी जांच कर रही, अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, 46 करोड़ रुपए बैंक खाते में सीज कर दिए गए हैं, बैंक स्टाफ और विभाग के कर्मियों की मिली भगत से मामले सामने आ चुके हैं और इस मामले की जांच अब ईडी की टीम भी करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी रांची से बता रहे हैं, 6 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं, 46 करोड़ रुपए बैंक खाते में सीज किए गए। झारखंड के पर्यटन विभाग और ऊर्जा विभाग के विभिन्न खातों से 107 करोड़ की फर्जी निकासी मामले की जाँच अब ईडी की टीम करेगी। बता दें कि इससे लेकर ईडी ने ECIR दर्ज भी कर लिया है और मामले की अब जांच भी शुरू कर दी गई है। फिलहाल इस मामले की जांच जो है वो झारखंड CID और ATS के द्वारा की जा रही है। फिलहाल अब तक इस पूरे मामले में 46 करोड़ रुपए जो हैं वो CID और ATS की टीम के द्वारा विभिन्न बैंक खातों में सीज किए गए हैं, तो वहीं 6 आरोपियों को इस पूरे मामले में अब तक गिरफ्तार भी किया गया है। अभी भी इस पूरे मामले में अगर बात की जाए तो 61 करोड़ के आसपास रुपए जो हैं वो अभी भी जो हैं वो ATS और झारखंड CID को नहीं मिल पाए हैं। फिलहाल इस मामले में अभी भी जांच जारी है, विभाग के कर्मी और बैंक अधिकारियों की मिली भगत से ये पूरा खेल रचा गया है, इस तरह की बातें भी सामने आई और इस मामले में कुछ लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। अब देखना होगा कि ईडी अब इस पूरे मामले को जब टेक ओवर कर रही है तो इसकी जांच में उसे क्या कुछ जानकारियां मिलती है और किस तरह से ये पूरा जो नेक्सस है इसका खुलासा ईडी करती है और इस मामले में अब तक जो अनसुलझे हुए पहलू हैं उसकी जांच में कब तक सफलता मिलती है। हालांकि इसके पैरेलल ATS और CID की भी जांच जो है वो जारी रहेगी। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले का कब तक खुलासा होता है और इस पूरे मामले में जो नेक्सस है वो कब तक पूरी तरह से उसको खोला जाता है, उस तमाम चीज़ों की कड़ियों को खोला जाता है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। अब आपको गिरिडीह लिए चलते हैं, जहां भू माफियाओं की दबंगई दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है और इसी की एक झलक उस वक्त देखने को मिली जब भू माफियाओं ने अपने गुर्गों के साथ एक डॉक्टर और वकील को निशाना बनाते हुए जमीन कब्जा करने की नीयत से घर पर हमला कर दिया और घर की चार दीवारी को तोड़ डाला। भू माफिया शहर के नशेड़ियों का सहारा लेकर धावा बोल रहे और मारपीट कर रहे, जिससे मकान मालिक भयभीत है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को खदेड़ कर भगाया। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता एजाज अहमद। गिरिडीह जिले में दिन ब दिन भू माफियाओं का आतंक बढ़ते जा रहा है और अब गांव मोहल्लों से निकलकर शहर के पौश इलाकों तक भू माफिया अपनी
ताकत दिखा रहे हैं और इसके सामने पुलिस प्रशासन सब नतमस्तक दिख रहा है। इसी तरह का मामला सामने आया है गिरिडीह जिले के शहर स्थित शास्त्री नगर का, जहां पे कुछ भू माफियाओं ने हथियार से लैस होकर यहां पर हमला किया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो पीछे दीवार दिख रहा है, ये डॉक्टर रामकिशोर शर्मा का आवास है और चार दीवारी है। यहाँ पर डॉक्टर जो यहाँ पे एडवोकेट कंचन माला है और पंकज सिन्हा है यहाँ पे रहते हैं, और तस्वीरों में देख सकते हैं वो दीवार है, दीवार में भी इसे फिलहाल ही तुरंत बनाया गया है क्योंकि कल इसे भू माफियाओं के द्वारा जबरदस्ती तोड़ दिया गया था। जब इसकी सूचना पुलिस को मिली, पुलिस यहाँ पे पहुंची और भू माफियाओं को खदेड़ कर भगाया। करीब 100 लोग एक बैग पीछे का बाउंड्री वाल मेरा तोड़ने लगे। जब हम लोग रेसिस्ट किए, हम लोग उसको रुकावट मना किए, और मेरे साथ में मेरी साली भी एडवोकेट जया कुमार धर्माद की, वो भी गिरिडीह आई हुई थी, उसको उसके सर में ये लोग कट्टा सटा के बोला कि 25 लाख रुपया दो, नहीं तो तुम्हारा जमीन भी नहीं रहेगा और तुम भी नहीं। करीब 60-70 में लोग आया और आके दीवार को तोड़ दिया। हम खुद आके बोले कैसा है बाबू, तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो, गलत काम क्यों कर रहे हो, डॉक्यूमेंट्स का चीज़ है, आओ कथा कोर्ट में आओ, हम कोर्ट में बुला रहे हैं आपको। जबकि जो क्लेमेंट है वो ऑलरेडी जमीन को 2 बार ट्रांसफर कर चुका है। भू माफिया अक्सर उन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं जो रिटायर्ड डॉक्टर होते हैं, रिटायर्ड इंजीनियर होते हैं, ताकि वो ज्यादा लड़ भी ना पाए और इस प्रकार अपना प्रभुत्व दिखाकर जमीन कब्जा करने में लगे हुए हैं, जो चिंता की बात है। गिरिडीह न्यूज 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और रांची से बड़ी खबर आ रही है, बदल गए हैं झारखंड के डीजीपी, अजय कुमार सिंह होंगे नए डीजीपी। निर्वाचन आयोग ने मंजूरी दी, 1989 बैच के IPS अधिकारी हैं अजय कुमार सिंह। अनुराग गुप्ता को तत्काल हटाने के आयोग के आदेश के बाद राज्य सरकार ने 3 IPS अधिकारियों के नाम भेजे थे और पैनल से अजय कुमार सिंह का चयन किया गया है। आपको बता दें कि अनुराग गुप्ता से पहले झारखंड के डीजीपी पद पर अजय कुमार सिंह की तैनाती रही है और अब एक बार फिर से अजय कुमार सिंह ही झारखंड के नए डीजीपी नियुक्त किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी है।